तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम बताएंगे कि रेंज के ऊपर डेटा कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका वीडियो आपने भेजा था, मैंने होमवर्क करके भेजा है सर, देखा आपने? सर मैं माफी चाहूंगा, मैं देख नहीं पाया, आज मैं टाइम निकाल के देखूंगा, कल थोड़ा सा बाहर चला गया सर, आज देख तो आप रिप्लाई करें। जैसे कि आप अगर किसी वैल्यू टाइप करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे रेंज ए वन डॉट वैल्यू, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो रेंज या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट वैल्यू कर लीजिए या सिर्फ लिख दीजिए या फॉर्मूला कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी अदर सेल की वैल्यू किसी सेल पे, जैसे कि D1 की वैल्यू को मैं A1 पे रखना चाहता हूं, तो इसके लिए कोड हम लिखेंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 20+30 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 50 आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट वैल्यू किया है। लेकिन अगर आपने डॉट फॉर्मूला कर दिया तो क्या होगा? तो उससे जो वैल्यू होगी उससे वो इसमें आ जाएगी, राइट? क्या बोले सर? जो D1 में फॉर्मूला लगा होगा, ये बोलना चाहिए D1 में फॉर्मूला के थ्रू जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आएगी A1 में आ जाएगी। अगर आपने वैल्यू कर दिया ना, जैसे कि एक मिनट वाली जो लाइनिंग है, अगर आपने ए लाइनिंग दी है तो क्या होगा? सिर्फ वैल्यू आएगी, सिर्फ वैल्यू इसकी 50 आएगी इसके ऊपर, ओनली फॉर 50। इस तरह से जो कॉपीज वैल्यू पेस्ट करते हैं ना, अगर आपने यूज किया तो इसकी फॉर्मूला उठ के आएगी, जो फॉर्मूला वाला में दिख रहा है वो फॉर्मूला उठ के आएगा। अच्छा, पूरा फॉर्मूला उठ के आएगा। हाँ, तो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नहीं होगी, फॉर्मूला उठ के आएगी। हाँ, अब वैसे कॉपी पेस्ट और उठ के आने में क्या फर्क है? फर्क है, कॉपी पेस्ट अगर करते हो तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी ना, जैसे कि A1 A2 हो जाएगी, A3 हो जाएगी, इस तरह से।
और डॉट फॉर्मूला कर दिया तो उसकी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेगा जस्ट। ओके क्लियर है? नहीं नहीं फॉर्मूला एज इट इज आई है। हाँ जो फॉर्मूला है इसको यहाँ से मतलब ऐसे इस तरह से उठाएगा और सीधे यहाँ देगा। अच्छा यहाँ पर ये जो आपने लिखा हुआ है रेंज ए वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज डी वन डॉट फॉर्मूला, तो हम यहाँ पर रेंज ए वन डॉट फॉर्मूला लिख सकते हैं? देखिए हमने बताया ना आपको कि आप डॉट फॉर्मूला करें या फिर कुछ ना करें या डॉट वैल्यू करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रिसीवर है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गिवन। अच्छा ठीक है बस ये ना रिसीवर को नहीं पड़ता बट गिवर को फर्क पड़ता है, अगर आपने वैल्यू किया तो उसकी आएगी, सिर्फ फॉर्मूला किया तो उसकी फॉर्मूला आएगी। ओके मजे सर बिल्कुल ओके चलिए आगे बढ़े। मगर उसका मतलब क्या होता है ऊपर के जो अपने लिखे हैं कोडिंग उसका मतलब क्या होता है? रेंज A1 dot value is equal to name यानी वो आप रेंज A1 को तो समझते हैं ना, इसमें समझते हैं कि नहीं समझते? हाँ तो इसमें हुआ कि अगर किसी रेंज पे हमें कोई वैल्यू टाइप करनी है, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मुझे 30 टाइप करना है, तो नॉर्मली आप करते हैं और कीबोर्ड से 30 टाइप कर देते हैं राइट। ओके राइट, इसी कोड से करने के लिए लिखना होगा कि रेंज ये आपका क्या है A3 A3 dot value equal to 30। ओके ओके डॉट फार्मूला A1 डॉट फार्मूला इक्वल टू सॉरी A3 फार्मूला इक्वल टू 30। हां एक्चुअली कल एक मैं कोडिंग ढूंढ रहा था कि जैसे कि एक एम्प्लॉय कोड है उसका नाम वो जो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय कोड अगर डाले तो नाम आना चाहिए उधर, वो तो सर वी लुकअप जैसे है उस तरह से ना। हां वी लुकअप राइट वी लुकअप। हां तो वो जैसे वी लुकअप एक्शन में लगता है ऐसे VBA में लगेगा। ओके आप इवेंट मैनेजर प्रोग्रामिंग में कराएंगे या इसकी एक वीडियो भी बनानी हुई है, मैं एक बार देख के आपको भेज देता हूँ। ओके थैंक यू ठीक है उसकी वीडियो भी बनानी हुई है देख के भेज देता हूँ। ओके चलिए आगे बढ़े। तो ये समझ में आप ये देखिए क्या है कि हम a1 डॉट वैल्यू डॉट नेम करेंगे तो नेम टाइप कर देगा, या फिर हम सीधे a1 इक्वल टू नेम कर दे फिर भी आपका जो है आपका नेम टाइप कर देगा, अगर आपने फॉर्मूला कर दिया फिर भी फॉर्म टाइप कर देगा। तो फर्क क्या है कि अगर आप ये दोनों कोड लिखते हैं ना तो जस्ट a1 पे जाएगा और नेम ऐसे लिख देगा राइट। हाँ, वो नेम टाइप कर देगा। हाँ, और हमें फॉर्मूला हम करते हैं तो फॉर्मूला का भी क्या करेगा कि इस पे कर्सर रखेगा और इसके फॉर्मूला वाले जाएगा और नेम टाइप करेगा और कितना ही समझे। तो मतलब एक तो होता है कि यहाँ पे जाके हम टाइप करते हैं या एक होता है कि इस पे कर्सर रखेगा और यहाँ पे जाके टाइप करेगा ये फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला टाइप करेंगे फॉर्मूला होगा, वैल्यू टाइप किया तो वैल्यू होगा। अगर मैं यहां जाके लिख दूं कि इक्वल 20 प्लस 30 तो आ जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा ना सर। राइट उसी तरह से कि अगर आप यहां पे करते हैं ये कहते हैं कि यहां पे a1 की वैल्यू इक्वल टू d1 की वैल्यू, तो a1 डॉट वैल्यू करते हो तो वैल्यू कर दिया आपने तो इस पे गया और इस t को रख दिया। आप बोलते हैं कि नहीं a1 डॉट वैल्यू इक्वल टू d1 डॉट फॉर्मूला, तो वो क्या करेगा कि फॉर्मूला वार से इसको उठाएगा कि पूरे को इस पर यहाँ पे इसे ठीक है ठीक क्लियर है कोई डाउट इसमें? नहीं ये समझ में। अब बात हुई कि हमने तो सेम सीट पे कर दिया ना, मान लीजिए मुझे डेटा सीट पे जाके और मुझे यहाँ A4 पे A5 पे वैल्यू डालनी है, तो यहाँ अगर सिर्फ लिख देंगे रेंज A4.5 या 10 तो एक्टिव सेल पे होगा क्योंकि ये जो वर्क कर रहा है जो सीट एक्टिव होगा उसी पे पेज करेगा उसी पे वैल्यू टाइप करेगा, तो सीट का रेफरेंस कहीं नहीं है। उसके दो तरीके, एक तो है कि आप सीट्स
और यहाँ डेटा, उसको आप सिलेक्ट करें या एक्टिवेट करें, ओके। और फिर यहाँ पे रेंज ए फोर या ए फाइव जो भी है, ए फाइव डॉट वैल्यू करें और इक्वल टू आप अपनी वैल्यू डालें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्लस सीट पे जाएगा, मतलब कि पहले इसको एक्टिवेट करेगा, फिर कर्सर यहां रखेगा, फिर इसके ऊपर 25 डालेगा, ठीक। या फिर एक तरीका और है सर, और वो तरीका क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सीट, सीट में हमने यहाँ पे दे दिया डेटा और यहां पे हमने दे दिया रेंज ए वैल्यू इक्वल टू 25, तो डायरेक्ट दे देगा सर, एक्टिवेट नहीं करेगा, आपका सीट थ्री एक्टिवेट रहेगा, बिना सीट थ्री डेटा सीट को एक्टिवेट करे उसके इसमें डेटा को भेज देगा। अरे जी आप है कि नहीं, तो दोनों में डिफरेंस समझे, ऊपर वाली लाइनिंग दो जो है इस मेथड में और इस मेथड में डिफरेंस समझे कि नहीं, और फिर डेटा टाइप करेगा। दो लाइनिंग ये बोल रहा है, और एक जो सीट है लाइनिंग है वो बिना सीट को एक्टिवेट किए ही सीट डेटा के इस पे डेटा शीट के ए फाइव पे 25 टाइप कर, अच्छा समझे, डेटा है यहाँ पे, इस पे कोड इस पे डालना चाहता हूँ, बुक थ्री के डेटा के ए वन पे जाके डेटा डाल, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं यहां पे करूं वर्क बुक्स और यहां पे करूं बुक थ्री डॉट एक्सएलएस मेक्स जो भी आपके एक्सटेंशन हो एक्टिवेट, और फिर यहां पे जाऊं सीट्स और सीट के हम बोले डेटा रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू 25। तो ये क्या करेगा कि पहले सीट थ्री को एक्टिवेट करेगा, फिर डेटा सीट को एक्टिवेट करेगा, फिर उसके रेंज ए वन जाके 25 डालेगा, ओके ठीक है। तो इसके एक और तरीका है कि मैं बुक थ्री लिखूं के बाद डेटा शीट लिखूं यहां और लिखूं डॉट पे वर्कबुक बुक थ्री पे गया, फिर सीट पे डेटा को सीट पे एक्टिवेट किया, फिर रेंज ए वन पे 25 को डाल दिया, ठीक है सर। ये बताइए इसमें हम वर्कबुक ये बुक 3 भी सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम डेटा शीट भी सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम वैल्यू उठा के डेटा शीट से वैल्यू उठा के हम बुक 3 में डाल रहे हैं। मुझे क्या करना है कि फिलहाल मैं हूं बुक 1 पे, फिलहाल बुक 1 ओपन है राइट, मुझे बुक थ्री के डेटा सीट के ए वन पे 25 टाइप करना है। तो सबसे क्या करोगे, बुक थ्री को एक्टिवेट करोगे, फिर मान लो डेटा सीट नहीं है तो डेटा सीट पे जाओगे, फिर उसके ए वन पे जाके 25 करोगे, ना मैनुअली आप। तो ये काम ये उससे वही कर रहा है कि पहले वो डेटा बुक थ्री को एक्टिवेट कर रहा है, फिर डेटा सीट को एक्टिवेट कर रहा है, फिर इसके ए1 पे जाके 25 लिख रहा है।
लेकिन हमने यहाँ पर बुक थ्री जो ये वर्कबुक के बुक थ्री हमने इसको एक्टिवेट क्यों किया, क्योंकि हमने उसमें काम कुछ किया तो हमने इसको एक्टिवेट क्यों किया। सर आप जो बुक वन है तो बुक थ्री पे जाने के लिए आप यहाँ से स्विच करोगे ना, अल टैप करोगे ना, ठीक है, वही अल टैप हुआ ना ये आपका एक्टिवेट। ओके ये मिनिमाइज है ना, मिनिमाइज हो गया। अभी कौन सा है, बुक वन है तो मुझे बुक थ्री पे मैक्सिमाइज तो करना पड़ेगा ना, ये जो मैक्सिमाइज हुआ वही एक्टिवेट हुआ। लेकिन ये फाइल ओपन होना चाहिए, अगर ओपन नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे ओपन का कोड डालना पड़ेगा, तो ओपन कोड डालोगे फिर एक्टिवेट करने का कोई जरूरत नहीं। अच्छा अगर आपकी वर्कबुक ओपन नहीं है तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन और फिर तो वर्कबुक जब ओपन होगा तो वही एक्टिवेट होगा क्या, आप देंगे वही एक्टिवेट होगा, तो मुझे बुक थ्री एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो फाइल मेरा ओपन है तो मुझे उस सीट पे जाना पड़ेगा ना वर्कबुक थ्री पे, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन से वर्कबुक पे है। अगर हम इस कोड को ना लिखें तो क्या होगा, तो ये जो सीट फाइल एक्टिवेट होगी मेरे सामने विंडो पे होगी उसी के डेटा सीट पे चला जाएगा ना सर। तो हमें तो जाना है पर्टिकुलर फाइल के डेटा सीट पे, तो उस फाइल को एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट या ओपन, अगर ओपन नहीं है तो एक्टिवेट तभी तो जाएगा। आप मैनुअली भी माउस से जो माउस से कर रहे हो वही काम है किया है इसने, कि पहले डेटा सीट पे एक्टिवेट मेरे बुक 3 को एक्टिवेट किया, फिर डेटा सीट को एक्टिवेट किया, फिर उसके रेंज वेरिएबल से 25 को डाल दिया, तो कि बिना एक्टिवेट किए कैसे डाल देगा। ये आपका सीक्वेंसिंग प्रोसीजर हो गया वन बाय वन, ये आपका हो गया एक के बाद सारा पाथ दे दिया कि भाई सीट बुक 3 के सीट डेटा पे रेंज पे A1 पे जाके वैल्यू 25 कर लो, तो ये ना सीट ना तो ना ही फाइल को एक्टिवेट करेगा, मतलब कि बुक 3 को एक्टिवेट नहीं करेगा और ना ही डेटा सीट को एक्टिवेट करेगा और सीधे उसके A1 पे, भाई हमने पूरी इसकी पाथ दे दी है, पाथ पे बैकएंड में सारा काम कर लेगा, मतलब विजुअल में कुछ नहीं होगा, बैकएंड में सारा ढूंढ के डाल देगा, बस अटे बुक का ओपन होना चाहिए। अगर बुक 3 ओपन नहीं है तो इसमें भी आपको बुक 3 को ओपन करवाना पड़ेगा, समझे। तो दो मेथड है, पहला मेथड है वन बाय वन प्रोसीजर जैसे मैनुअल करते वो प्रोसीजर है, और दूसरा है कि हम एक बार पूरा पाथ दे दिए उस पाथ के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। यहाँ पर बीच में ना एक एज अ कमेंट डाल दो ताकि पता लग जाए कि ये दो ऑप्शंस अवेलेबल, लाइक बीच में लिख दो और, बस समझा ही रहा हूं इसके बाद। हाँ जैसे अगर बाद में देखें ना तो मैं उस सेंस से बोल रहा हूँ कि ये तो अगर हम ऐसा लगा कि तीन कोड के बाद फिर ये वाला कोड है ऐसा 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 लगता है बीच में अगर लिखेंगे और ऐसा किस सुनी सुनी बताता हूँ जब लिखेंगे ना सर आपको तो हम कोड एक होता है ये अभी आपको हम कोड एक्सप्लेन कर रहे हैं ये जो हुआ कोड एक्सप्लेन हुआ इसको हम रन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सीक्वेंस नहीं है आपको हमने जब एल्गोरिथम बताया था ना कि वो तो वीडियो लेना पड़ेगा ना सर वीडियो देख के कोड लेना पड़ेगा वीडियो देख के आप कोड समझ लीजिए समझ अच्छा ठीक है ना अभी आप कोड एक्सप्लेन कर रहे हैं समझे जब इसको हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तो वो सीक्वेंस होगा फिर वो इसमें आप कर रहे हो इसमें आप कोड एक्सप्लेन कर रहा हूं ठीक समझ में आ गए कि वैल्यू हम कैसे टाइप करेंगे अभी जो मैंने आपको समझाया मैं आपको यही समझाया कि एक सेल के ऊपर हम किसी चीज को कैसे टाइप करेंगे चाहे वो नंबर या टेक्स्ट या किसी सेल की ठीक है ठीक है तो हमने आपको बताया कि आपकी एक्टिव सेल एक्टिव शीट के ऊपर कहीं भी टाइप कैसे करेंगे दूसरा कि एक्टिव फाइल की किसी अनदर शीट पे कैसे करेंगे इसके दो मेथड थे मेथड था ए दूसरी मेथड था ये आपका डायरेक्ट से अगर किसी पर्टिकुलर फाइल के पर्टिकुलर सीट के पर्टिकुलर रेंज पे वैल्यू डालना है तो कैसे डालेंगे वो हमने आपको बताया और इसी तरह से हमने इसकी इस मेथड अब जैसे एग्जांपल यहां पर है सॉरी यहां देख लीजिए हमारे पास बहुत एक हो गया यहां पर सुन लीजिए अब यहां पे बहुत सारे हमारे पास वैल्यू मुझे जो है इसके सबसे लास्ट में वैल्यू डालना है या फिर मैं इसको बंद करता हूं कंफ्यूजन हो गया
अब जैसे कि मेरे डेटा सीट पे ही चले जाइए, मुझे आपने यहाँ पे दिया A5 फिक्स कर दिया हुआ कि A5 की वैल्यू 25 कर दे, लेकिन क्या करनी है कि सबसे लास्ट में मुझे इसको सबसे लास्ट में यहाँ पे एंट्री करनी है। तो हमने आपको सिलेक्शन की क्लास में बताया था कि कर्सर को नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल पेज कंट्रोल के साथ ऐड करते हैं ना एंड वाला ऑप्शन। तो हमने बताया था आपको कि मैं लिखूंगा कि रेंज A1 से डॉट एक्सप्रेस डाउन, डाउन क्या करेगा कि यहां से कर्सर को सबसे यहां नीचे कर दे, लेकिन मुझे इसकी अगली सेल चाहिए। तो अगली सेल के लिए हम क्या करेंगे, इसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा एक वेरिएबल देगा रेंज, हर कोई अलग अलग चीज यूज करता है तो मैं वही आपको अलग अलग चीज बता रहा हूं, ठीक है ना सर, बाद बताऊंगा। XLS आपका डाउन डॉट रो, अब इसकी रो नंबर को इसने ले लिया लास्ट रो, फिर ये करेगा कि सेल्स R+1,1 डॉट वैल इक्वल टू 4, समझे, ये सबसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और इसकी रो लेके आर पे स्टोर करता है। फिर सेल्स को बोलेगा कि R+1, हमने R+1 मतलब कि ये आपका 4 आ गया, तो 4+1=5, पांचवें नंबर रो नंबर कॉलम में करें, क्योंकि हमारा रो या नंबर में है कॉलम, तो इसलिए हमने किया ऐसा। या फिर इसको इसके हम ए भी लिख सकते हैं, मैं इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूं, मैं इसके जगह ए भी लिख सकता हूं कि रेंज ए और इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया R+1। तो रो नंबर निकालने का एक और तरीका है, एक कुछ लोग ऐसे भी निकालते हैं R=2 यहां देते हैं एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन, मतलब काउंट ए का फॉर्मूला। काउंट ए क्या करता है पता है आपको, इसे पता है काउंट को काउंट काउंटर काउंट करता है कि जितने उसमें कैरेक्टर हैं रेंज, जितने कैरेक्टर काउंट कर देगा। हां, और साथ में हमने एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन क्यों लगाया कि काउंट ए डायरेक्ट वीबीए को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, क्लियर सर। अब यहां पे इसी मेथड को ले लेंगे, ये दोनों मेथड को, लेकिन इन दोनों में दिक्कत है, क्यों, क्योंकि अगर बीच में ब्लैंक हुआ तो काउंट है तो आएगी, तो एक कम दे देगा, समझे, और ए जो है ऊपर जाएगा। तो इसका तरीका क्या है कि मैं यहां पे, अब मेरा तरीका सुन लीजिए कि मेरा तरीका क्या, मैं क्या यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं ए कि रेंज ए 65,000 या 10,00,000 डॉट एंड ऑफसेट इक्वल टू 4। अब ऑफसेट क्या करता है सुनिए, अब ये क्या किया कि नीचे ये 65,000 से सीधे ऊपर की तरफ आया एक्सेलेस अप तक, क्या, और फिर ऑप्शन क्या होता है कि जहां पे कर्सर है वहां से रो और कॉलम को आगे पीछे आप कर सकते हो। हमने यहां पे किया 1,0, 1 मतलब ये जो आपका पहला रो है दूसरा कॉलम है, तो 1 रो और यहां पे नीचे आ गया। अगर मैं इसी में 1,1 कर दूं क्या होगा, यहां से नीचे आएगा फिर आगे चला जाएगा। यही पे अगर मैं माइनस कॉलम को माइनस में कर दूं तो ये क्या होगा कि वो नीचे आएगा, रो नीचे आएगा और माइनस एरर हो जाएगा सर, यहाँ पे एरर हो जाएगा क्योंकि माइनस में होगा। यहाँ पे अगर ये कर दीजिए सी कर दीजिए तो ये क्या होगा कि ये नीचे से
ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे आएगा और फिर एक माइनस भी, समझे? तो ऑफसेट में अगर प्लस में देते हो तो आगे जाता है, माइनस में देते हैं तो पीछे होता है, रो एंड कॉलम दोनों। तो हमने ऐसा एक चीज क्यों किया, क्योंकि हमें अगली सेल में, मतलब कि अगला, जैसे मान लीजिए कि बाद यहाँ टाइप करना है ब्लैंक रो में ओवर, मैंने मान लीजिए हमने ए वन बी वन फिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा ना, मुझे हर बार अगली वैल्यू डालनी है एक के नीचे एक के नीचे, तो हम इसका यूज करते हैं, समझे? डाउट में सर? यही अगर मान लीजिए कि पर्टिकुलर शीट में करना है, जिसका आगे हम शीट लगा देंगे, शीट से फाइल है तो फाइल लगा देंगे, जैसे कि हमने ऊपर आपने बताया। ओके सर, ठीक है सर, ओके। अब आपको क्या करना है कि एक यहां पे देखिए फॉर्म बना हुआ, अब अभी चीज आपके लिए होमवर्क है, ध्यान दीजिए, ये फॉर्म बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे नाम लिखूं पूजा, यहाँ पे सिटी लिखूं दिल्ली, अमाउंट लिखूं, जब मैं सेव पे क्लिक करूं तो ये डेटा जो है, ये जो डेटा है, ये डेटा यहाँ पे आना चाहिए। सबसे पहले इसका सीरियल नंबर यहाँ पे 4 आना चाहिए, डेट आज की आनी चाहिए, टाइम जब मैं टाइप करूं तब का आना चाहिए, और नेम वगैरह यहाँ पे आ जाए, समझे? ओके, ये बना के मुझे आप लोग भेजें। मैंने कॉल भेजा है सर। क्या? मैंने भेजा है आपको। अभी बना भेजा है सर? ठीक है, देख लेता हूँ। हाँ जी सर। बाकी लोग जो नहीं भेजे, ठीक, मेल कर देता हूँ। जो वेनसडे का वीडियो मिल जाएगा क्या क्लास का? वेनसडे मतलब कि परसों? हाँ परसों का, परसों क्लास हुई थी सर, थर्सडे नहीं हुई थी ना, वेनसडे में बीमार था, तो लिया था क्लास, नहीं कल क्लास नहीं लिया था, हाँ परसों लिया था, ठीक है मैं भेज। हाँ हरीश जी, और दूसरा है विजय जी, ये है ना विजय देसाई, यस, और तेजिंदर जी आपको तो पता ही। और फिर इसको हमने यहाँ से फाइल सेव कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे बना के भेजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।